अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं कलेजी स्टू। कलेजी स्टू नए तरीके की रेसिपी है। ये देखिए कुकर हमने रख दिया है। अब इसमें हम डालेंगे कलेजी, जो हमने आधा किलो कलेजी लिया था। ये देखिए हमने धो लिया है साफ और पानी में भिगो दिया है। ये देखिए कुकर में हमने डाल दिया कलेजी। इसको जो है हम दो सीटी लगा के उबालेंगे सारे मसाला डाल के। फिर हमने लिया है देखिए एक मीडियम साइज का टमाटर और 6 हरी मिर्चें, इसको भी इसमें हम डाल देंगे। और ये है प्याज, 5 मीडियम साइज़ के प्याज हैं जिसको हमने बारीक चॉप कर लिया है, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये देखिए 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच। ये कलेजी है, बिसाहिन आता रहता है तो इसलिए अदरक लहसुन का पेस्ट ज़्यादा डालने से बिसाहिन पर मर जाता है, उसका बिसाहिन नहीं आती। ये देखिए 1 चम्मच नमक, नमक अपने स्वाद अनुसार घटा बढ़ा सकते हो। और इसमें डालेंगे हम कुछ ऑयल। ये देखिए ये है मस्टर्ड ऑयल, इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच, 1 चम्मच के करीब मस्टर्ड ऑयल। और इसमें जो है हम डालेंगे 1 चम्मच, ये देखिए धनिया पाउडर। और इसमें डालेंगे हम गरम मसाला पाउडर। ये देखिए इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच के करीब गरम मसाला पाउडर। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, ऐसे डाल देते हैं अंदाज के हिसाब से। ये हमने डाल दिया। अब इन सबको हम मिक्स करेंगे। ये देखिए 1 चम्मच के मदद से सब हम मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए ये सब हो गया मिक्स। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। इसमें हम डाल दिए 100 ग्राम के करीब पानी। अब इसमें हम लगा देंगे लीड। देखिए कुकर को हम कर देंगे बंद। अब हम गैस को कर देंगे ऑन। कुकर हमने रख दिया है, हम गैस को कर देंगे ऑन। गैस हमने जला दिया है। अब इस पर हम कम से कम 5 से 7 मिनट तक इसको कुक करेंगे कुकर में, 2 सीटी आने तक। दो सीटी आ जाएगा फिर इसको जो है हम मीडियम पे कर देंगे। अभी हाई फ्लेम पे 2 सीटी आने तक दिया है। इधर मेरे चावल पक चुके हैं ये देखिए, और इधर जो है मेरे दूध खौलने वाले हैं। ये देखिए
दूध मेरा खौल रहा है और इधर मेरे चावल पक चुके हैं, सालन पक रहा है कलेजी का। ये देखिए कितना अच्छा ये बॉयल हो चुका है। अब इसको हम करेंगे फ्राई, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये कढ़ाई को हमने रख दिया है, ये हो गया है गरम। अब इसमें हम डालेंगे ऑयल। दो से ढाई चम्मच ऑयल है, ये हो जाएगा गरम। फिर हम इसमें डालेंगे कुछ ड्राई मसाला। ये देखिए सारे ड्राई मसाले इसमें हमने डाल दिया है। दो तीन पत्ता है, चार पांच है लाल मिर्चा है और तीन छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, चार पांच लौंग है, तीन चार पांच काली मिर्च है और आधा चम्मच जीरा है। ये सब हमने जो है भिगा के पानी में डाला है, इसलिए छनछन की आवाज़ आ रही है। ड्राई मसाला हम कभी ऐसे सूखे में डायरेक्ट डालते हैं, भिगा के डालो तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब इसमें हम डाल देंगे कलेजी, निकला हुआ कलेजी है, मसालों के साथ पका है। अब इसको हम भून पकाएंगे 10-5 मिनट तक। फिर उसके बाद जो है इसका पानी सूख जाए। फिर हम आपको दिखाते हैं। अभी से इतनी अच्छी माशाल्लाह खुशबू आ रही है, ये बहुत ही ऐसे में बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी बनता है। ये देखिए कितना अच्छा जो है बन गया है एकदम सूखा। ये देखिए अब इसमें हम डाल रहे हैं धनिया पत्ती। फिर हम आपको अभी निकाल के दिखाएंगे। अब गैस को हम कर देंगे बंद। अब इसमें हम डाल देंगे धनिया की पत्ती। ये देखिए बहुत ही यमी और बहुत लाजवाब बना है, कितना अच्छा खुशबू आ रहा है। ये देखिए मैंने पत्ती में डाल दिया। ये देखिए बहुत ही यमी और बहुत ही अच्छा बनके तैयार हुआ है। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। अब हम अपने चैनल को